नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। कैसी चल रही हैं आप सब लोगों के घर में शादियों की तैयारियां? और शादी की तैयारियां जैसे जैसे पास आती है वैसे वैसे स्ट्रेस आना चालू हो जाता है कि भाई साहब हमारा तो शरीर एकदम तंदुला बना पड़ा है, हम किस तरीके से अपने आप को कैरी करेंगे महफिल में। नाउ मेरी लास्ट जो वीडियो है दिस फ्लैट बेली सीरीज की मैंने स्टार्ट करी है, इसके नीचे मैंने बड़े सारे कॉमेंट्स रीड करे रिलेटेड टू फ्लैट बेली में डिनर का क्या ऐसा ऑप्ट करें यार जिसकी वजह से हमारा जो बेली है वो अंदर चला जाए। बड़ा सारी चीज़ें आप लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है कि है ना, पहले ध्यान देना नहीं है और उसके बाद इंस्टेंट रिजल्ट मांगते हैं। नाउ पॉइंट है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, अंकिता की शादी, आप सबको पता है जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं मंडे को। एंड मैं खुद एक स्पेसिफिक डाइट पे हूँ जिसकी हेल्प से मैं अपनी बॉडी रेडी कर रही हूँ कांजीवरम साड़ी पहनने के लिए। नाउ पॉइंट है कि आप लोगों के साथ भी बड़े स्ट्रेस चल रहे होंगे, लहंगे का लूज कराना पड़ेगा एंड में या टाइट कराना पड़ेगा, सो ऐसी कन्फ्यूजन नहीं हटाते हैं। जिन जिन लोगों के घर पे वेडिंग है, जिन जिन लोगों को एक स्पेसिफिक फंक्शंस अटेंड करने हैं, जिन जिन लोगों को क्विक रिजल्ट चाहिए, यू नो, उन लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ 7 फ्लैट बेलीज रेसिपीज फॉर डिनर। डिनर हम बिल्कुल उस तरीके से रखेंगे जिसकी हेल्प से हमारी बॉडी पे स्वेलिंग ना आए, बिल्कुल फ्लैट टमी हो, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी लाइट फील करे। कुछ कुछ लोग इतने समझदार होते हैं कि डिनर स्किप कर देते हैं, जी हम तो डिनर खाएंगे ही, ठीक है हमारा वेट जल्दी कम हो जाएगा, ऐसा नहीं करने का, फास्टिंग कर लेते हैं, ऐसा मत करो। कुछ खाओ डिनर में, क्या खाओ, अच्छी चीज़ें खाओ, रिच इन प्रोटीन सोर्स खाओ, बट खाओ। जो हटाना है वो क्या हटाना है फ्लैट बेली के लिए, सॉल्ट, सॉल्ट को हटा देंगे हम डिनर में ना, सॉल्ट नहीं लेंगे। इसका ज्ञान क्या होगा वो मैं कुछ अपकमिंग वीडियोस में आपको डिटेल में बताऊंगी, बट आज हम रेसिपीज बनाएंगे विदाउट सॉल्ट। बट अगर आप लोगों को बीपी लो का इशू है, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम रहती है बीपी लो को लेकर एंड आप लोग बिना सॉल्ट के सर्वाइव ही नहीं कर सकते, देन येस यू कैन ईजिली एड पिंच ऑफ सॉल्ट। बट अगर आपको स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए, आपको स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा पहनना है और ऐसा ऐसा दिखना है, मेक श्योर आप जो सॉल्ट का है इनटेक वो डिनर में बिल्कुल हटा दो, इन सारी रेसिपीज में से बिल्कुल हटा दो। मैं तो नहीं डालूंगी सॉल्ट, बट इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऐड। सो अभी फर्दर बातें नहीं करते हैं, चलते हैं किचन में और बनाते हैं फ्लैट बेली डिनर। सबसे पहली रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ पालक और हमारा चिकन। सो सबसे पहले ये ले लिया मैंने ऑलिव, यहाँ पे मैंने लिया ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है पालक, एंड ये जो पालक है मैंने वॉश कर रखी है, 2 मुट्ठी जितना पालक मुझे चाहिए यहाँ पे, सिर्फ 2 मुट्ठी जितना पालक ये मैंने ले लिया है। पालक सीजन की सब्जी है, ज़रूर इसको लेना। नेक्स्ट इसमें डाल दूंगी मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी, 1 करछे जितना पानी। अब इसको मैं लगाऊंगी विसल, कम से कम 2 से 3। तो ये रहा मेरा चिकन, ये मैंने बॉईल किया हुआ चिकन है, सिर्फ पानी में मैंने चिकन बॉईल करा है और उसमें 1/2 चम्मच जितना तेल डाला था बॉईल करते समय। सो ये है चिकन बॉईल किया हुआ मेरे पास। पालक हमारी उबल चुकी है, ये रही। अब हम इसे ब्लेंड करके प्यूरी बनाएंगे पालक की। यहाँ पे नेक्स्ट इज मेरे पास मेरी कढ़ाई है, इसके अंदर मैंने डाल दिया बिल्कुल हल्का सा तेल। यहाँ पे मेरे पास है मेरे टमाटर चॉप करे हुए अच्छे से। चलिए ये मैंने डाल दिया इसमें मेरे टमाटर। सो यहाँ पे मेरे पास है मेरा चिकन, चिकन जो है ये मैं छोटे छोटे पीसेस में कर दूंगी बॉयल्ड चिकन को। ओके ये जो टमाटर है ये मेरा अच्छे से पक चुका है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल दूंगी मेरी पालक की प्यूरी। एंड इसके अंदर मैं डाल दूंगी मेरा चिकन, मेरा बॉयल किया हुआ चिकन। इसको हम कुक होने देंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए सिम आंच पे, एंड उसके बाद ये बिल्कुल रेडी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है जी। ये रही हमारा पालक चिकन बिल्कुल तैयार है जी। इफ़ यू वांट यू कैन ऐड पिंच ऑफ सॉल्ट, अवॉइड कर सको तो सबसे बढ़िया है जी। सो ये रहा हमारा पालक चिकन, एंड ये बिल्कुल गर्मा गर्म डिनर के लिए, कोजी विंटर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट डिनर है। नेक्स्ट रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं ग्रिल्ड फिश। ग्रिल्ड फिश के लिए यहाँ पे मेरे पास है ये सुरमई फिश के 4 पीसेस। किसी भी टाइप के फिश आप ले सकते हो, सैल्मन, टूना, कोई भी फिश आप ले सकते हो। इसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ ऑयल।
नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है मेरा होममेड हमस। इसकी रेसिपी मैंने इंस्टाग्राम पे डाली थी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ घर पे बनी हुई हरी चटनी, घर पे बनी हुई आपके पास कोई भी होममेड चटनी, टमाटो का सालसा या फिर मिंट की चटनी, कोई भी चटनी हो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर खूब सारा ऑयल है, इसके अंदर बहुत सारे हमारे वाइट चना है, इसमें आप डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, खूब अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको रख देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए मिनिमम। नेक्स्ट ये रहा मेरे पास ग्रिलर, ये गर्म हो चुका है अच्छा खासा। इसमें मैं अपने फिश के स्लाइसेस रख दूंगी। यहाँ पर आप कोई भी नॉनस्टिक पैन, नॉनस्टिक ग्रिलर यूज कर सकते हैं, कोई भी आप तवे पे भी इसको बहुत अच्छे से सिकाई कर सकते हैं। मेक श्योर ये बहुत अच्छे से पक जाए। इसमें कम ऑयल लगता है इसलिए मुझे ये पसंद है, और एक्स्ट्रा ऑयल भी इधर से सारा हट जाता है। सो विंटर्स के लिए हमारे घर में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और फिश खाने से सबसे बेस्ट पार्ट ये है, हेयर फॉल बहुत अच्छे से कंट्रोल होगा, बहुत रिच सोर्स है प्रोटीन का, फॉलिक एसिड का। प्लीज़ आप फिश को अपनी डाइट में ऐड करो। मैंने इसको लगा दिया ग्रिल होने पे। जी देखते हैं हमारी फिश की क्या कंडीशन है। बढ़िया, देखो जितना एक्सेस ऑयल था सब इसमें से निकल गया। इससे ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं स्पॉन्सर नहीं करी, बट ये ऐसी चीज़ों में आप इन्वेस्ट करो। आई थिंक इतना ही पकी हुई फिश ठीक है। अब हम इसे यहाँ पे निकाल लेंगे। सो ये रहा हमारा डिनर एंड ये बिल्कुल रेडी है। मेक श्योर इसमें नमक कतई ऐड मत करना, बिना नमक के लेने की कोशिश करना और खाया जाएगा। नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं अंडों की सलाद, एग सैलेड। ये रहे मेरे पास दो उबले हुए अंडे। अब इसको सबसे पहले हम छीलेंगे। यहाँ पे मेरे पास है पैन, पैन के अंदर मैंने ले लिया हल्का सा ऑयल, बिल्कुल हल्का सा ऑयल लिया मैंने। जैसे ये मेरा पैन थोड़ा सा गर्म हो जाएगा सबसे पहले मैं डालूंगी प्याज, थोड़े से मेरे कटे हुए प्याज, थोड़ी सी मेरी शिमला मिर्ची, आधी या एक शिमला मिर्ची जितनी आपकी भूख है। खूब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, सौते करेंगे, बहुत अच्छे से पकाएंगे इसको। सिम आँच पे इसको पकने देंगे हम कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। ये हमारा अच्छे से सौते हो गया है, गैस को हम बंद कर देंगे। ओके नेक्स्ट, सबसे पहले हमने बाउल में डाला हमारा प्याज एंड कैप्सिकम। ओके नेक्स्ट इज इसके ऊपर यहाँ पर मैं डालूंगी मेरे थोड़े से टमाटर, एक टमाटर बिना बीज का, इन सारे सीड्स इसमें से रिमूव करें। नेक्स्ट मेरे पास है मेरे उबले हुए अंडे और मैं ये लूंगी विद योक। एग्स जो मैं यूज कर रही हूँ ये मैं यूज कर रही हूँ विद योक। ये हमने ले लिए जी दो उबले अंडे। परफेक्ट। एंड टेस्ट के लिए आप इसके ऊपर नींबू डाल सकते हो, बट मेक श्योर नमक को इससे दूर रखिएगा। नहीं रहा जा रहा देन यस यू कैन ऐड सॉल्ट टू। नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं बीन्स एंड टोफू बाउल। सो यहाँ पे ये मेरे पास है कुकर, कुकर के अंदर मैंने डाल दिया बहुत ही थोड़ा सा ऑयल। नेक्स्ट इज मेरे पास है मूंग धुली, ये मूंगी की दाल है, ये मैं 2 करछी डालूंगी यहाँ पर ऑयल के अंदर, गिनती की 2 करछी, क्योंकि ये एक पर्सन के लिए हम बना रहे हैं। मेरे पास वॉश किए हुए बीन्स हैं, बीन्स यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है आधी कटोरी। इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी, लाइक 1 से 2 करछी जितना पानी। और अब हम इसको विसल लगवाएंगे, अब हम इसे 2 विसल लगाएंगे। 2 विसल के बाद अगर हम इसे देखें ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है हमारे दाल और बीन्स। ओके सो ये रहा मेरे पास टोफू पनीर, ये मैं 50 ग्राम्स जितना टोफू पनीर लूंगी यहाँ पर। एंड इसको अब हम स्मॉल पीसेस में कट करेंगे। परफेक्ट, अब इस सैलेड के अंदर हम अपनी टोफू पनीर ऐड करेंगे।
इसको खूब अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं और सिम आंच पे इसको 2 मिनट और हम पकने देंगे अभी जी। सो अब हमारी जो टोफू सैलेड है ये बिल्कुल रेडी है। ओके सो दिस सैलेड इज रेडी विदाउट सॉल्ट। ओके जी, नेक्स्ट इज हम बनाने जा रहे हैं कैरेट स्मूदी। यहाँ पे मेरे पास है गाजर, सीजन की गाजर है, लाल गाजर है, डेफिनेटली हम उसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1 करछी जितना मेरा ओट्स। नेक्स्ट इज 1/2 चम्मच जितना मेरा सेसमे वाइट वाले। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे डेट्स हैं, 2 डेट्स हो गए। ये जो हमारी स्मूदी है इसको हम हल्का सा वॉर्म करेंगे, हल्का सा वॉर्म क्योंकि विंटर्स हैं, थोड़ा सा गर्म करके ही पियेंगे हम इसको। ओके, नेक्स्ट दिस इज रेडी, हमारे कैरेट वॉर्म स्मूदी बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं पपाया एंड ओट्स स्मूदी। ये रहा मेरे पास 1 स्लाइस पपाया का। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल दूंगी मेरा 1 चम्मच जितना ओट्स। नेक्स्ट 1/2 स्पून ऑफ सेसमे। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा 1 डेट। नेक्स्ट 1 ग्लास ऑफ वाटर ब्लेंड। नेक्स्ट आप ये स्मूदी भी गर्म करके भी ले सकते हैं, नॉर्मल भी ले सकते हैं, अप टू यू। ओके जी, नेक्स्ट लास्ट स्मूदी हमारे पास है ओट्स सेसमे स्मूदी। ये है सेसमे सीड, ये मैंने डाले हैं 2 चम्मच जितना सेसमे, वाइट सेसमे मैंने यूज करा है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे डालूंगी मेरे 2 चम्मच जितनी ओट्स। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी पिंच ऑफ फेनल सीड। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरे डेट्स 2, 3। नेक्स्ट ग्लास ऑफ वाटर एंड नाउ इसको हम ब्लेंड करेंगे। रेडी है, आप इसको भी वार्म करके ले सकते हो बट ऐसे भी आप इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे भी पी सकते हो एंड दिस इज रियली यम। वेलकम बैक जी। सो ये थी मेरी फ्लैट बेली डिनर की रेसिपीज़। मैं स्पेसिफिक यही रेसिपीज़ ले रही हूँ पिछले 10 से 15 दिनों से। मैं शूट नहीं कर पाती हूँ व्हाट आई ईट इन अ डे करके क्योंकि मेरे जो महान मेंबर्स हैं मेरे बैच में, मेरे को उन पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। सो मैं पूरा दिन एक बार ही कॉल्स और फ़ोन पे बैठ जाऊँ, लैपटॉप पे, फिर मैं रात के 2-3 बजे ही उठती हूँ। बट आई रियली ट्राई माई बेस्ट कि मैं व्हाट आई ईट इन अ डे का एक स्पेसिफिक वीडियो शूट करूँ जिसमें मैं आपको दिखा सकूँ कि एक्चुअली मैं क्या क्या खाने से और अच्छी चीज़ें खाने से भी आपका जो वेट लॉस है वो हो सकता है। वेट लॉस इज अ लाइफ स्टाइल, लूज करने के बाद अपने आप को मेंटेनेंस पे डालने की चीज है। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। अपनी फोटोज शेयर करना बिफोर एंड आफ्टर की, मैं वेट करूंगी। सो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी पंजीरी रेसिपीज। हम सारे पंजाबी लवर्स और हम सबको पसंद है पंजीरी, हम सर्दियाँ बिना पंजीरे के नहीं निकालेंगे। सो ये सर्दियाँ हम बिना पंजीरे के बिल्कुल नहीं निकालेंगे। सो पंजीरी की रेसिपीज के लिए वेट करना नेक्स्ट वीडियो की। सो टेक केयर जी, बाय बाय।